हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ललित खुल्लर। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पर्ट एंड सीबीएम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रोजेक्ट क्रैशिंग। स्टूडेंट्स, पर्ट एंड सीबीएम में जब हम प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाते हैं तो वो प्रोजेक्ट नेटवर्क स्टार्ट टू एंड तक अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग एक्टिविटीज़ थ्रू पहुंचता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें कई पाथ्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ शॉर्टेस्ट होते हैं, कुछ लॉन्गेस्ट होते हैं। तो हम सबसे लॉन्गेस्ट पाथ को क्रिटिकल पाथ चूज़ करते हैं। तो वो क्रिटिकल पाथ जो है वो हमारे प्रोजेक्ट की लेंथ को, ड्यूरेशन को प्रेजेंट करता है। जितनी क्रिटिकल पाथ की लेंथ होगी उतनी हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 20 डेज हैं क्रिटिकल पाथ तो हमारा प्रोजेक्ट 20 डेज में कंप्लीट हो रहा है, उसकी प्रोजेक्ट लेंथ 20 डेज है। लेकिन अगर हमें उस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना हो, अर्लीस्ट कंप्लीट करना हो, तो उसके लिए प्रोजेक्ट क्रैशिंग काफ़ी हेल्पफुल है। क्रैशिंग में हम क्या करते हैं, हम क्रिटिकल पाथ में जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उन एक्टिविटीज़ में टाइम जितना लग रहा है वो टाइम इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है उसके रीजंस फाइंड आउट करते हैं। कई बार क्या होता है कि एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन इसलिए ज़्यादा हो जाती है, उसको प्रॉपर मटेरियल की सप्लाई नहीं होती या लेबर की शॉर्टेज हो जाती है। तो उस केस में हम वो रीजंस फाइंड आउट करके उन रीजंस को रिमूव कर देंगे। जैसे हम लेबर की शॉर्टेज है तो हम एक्स्ट्रा लेबर वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर उनको ओवर टाइम दे के ज़्यादा काम करवा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो कॉस्ट तो बढ़ जाएगी लेकिन वो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा प्रोजेक्ट भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हर एक्टिविटीज़ में हमने रीजन फाइंड आउट करके उनको रिमूव करने की कोशिश करनी है। उसमें कॉस्ट तो इंकर होगी लेकिन टाइम कम होता जाएगा। जैसे ही टाइम कम होता जाएगा हमारे प्रोजेक्ट की लेंथ कम होती जाएगी। तो क्रैशिंग का मतलब क्या है कि आप कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हो लेकिन ड्यूरेशन कम हो रही है। तो क्या है इसमें बताया, क्रैशिंग एंड एक्टिविटी मीन्स कंप्लीटिंग इट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम बाय एलोकेटिंग एडिशनल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। सो प्रोजेक्ट क्रैशिंग इज द मेथड फॉर शॉर्टनिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बाय रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ वन और मोर एक्टिविटीज टू लेस देन द नॉर्मल टाइम, बट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट इज इंक्रीज। तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, टाइम कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्रैशिंग। अब प्रोजेक्ट क्रैशिंग का प्रोसीजर क्या है, इसमें 6 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है कि आपने सबसे पहले तो प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाना है जैसे आप बनाते हो, और क्रिटिकल पाथ बनाना है जैसे आप नॉर्मली बनाते हो। और सेकंड स्टेप में आएगा, आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट में हैं उन सब की कॉस्ट स्लोप्स निकालनी है। कॉस्ट स्लोप का मतलब होता है कि आप कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको पर यूनिट ऑफ टाइम, मीन्स क्रैशिंग करने से आपको पर यूनिट ऑफ टाइम कितनी कॉस्ट पड़ रही है उसको कॉस्ट स्लोप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक दिन कम करने से मुझे 100 की कॉस्ट पड़ रही है तो 100 मेरी कॉस्ट स्लोप होगी उस एक्टिविटी की। तो इसका फॉर्मूला है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो क्रैश कॉस्ट होगी जो आपकी बढ़ के आएगी क्रैशिंग करने के बाद, और नॉर्मल कॉस्ट जो आपकी पहले थी। तो ऐसे ही नॉर्मल टाइम जो आपका नॉर्मल लग रहा है और क्रैश टाइम आपका जो क्रैशिंग करने के बाद कम हो गया। थर्ड स्टेप है, आप क्रिटिकल पाथ की सब एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करो, उन सब की कॉस्ट स्लोप्स को देखो। जहाँ पर सबसे कम कॉस्ट स्लोप होगी उस एक्टिविटी पर हम क्रैशिंग करेंगे, क्योंकि हमने क्रिटिकल पाथ को ही शॉर्ट करना है तो हमें एक्टिविटीज भी उसकी ही लेनी पड़ेंगी जिस एक्टिविटी की कॉस्ट स्लोप कम होगी वहाँ पर हम क्रैशिंग कर देंगे। फोर्थ स्टेप है, क्रैशिंग करने के बाद हो सकता है कि आपके पाथ की लेंथ कम होने के बाद किसी और पाथ की ड्यूरेशन के इक्वल हो जाए,
क्योंकि जो पहले पाथ्स और पाथ थे हमने लॉन्गेस्ट चूज करा था, तो कम होने के बाद वो किसी और पाथ की प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के इक्वल भी हो सकता है। उस केस में हमारे पास एक से ज़्यादा पाथ क्रिटिकल पाथ हो जाएंगे, तो हमारे पास पैरेलल पाथ्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्रैचिंग हम किसी एक पाथ पे नहीं कर सकते, हमें उन सब पैरेलल पाथ्स पे साइमल्टेनियसली एक ही ड्यूरेशन की क्रैशिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 दिन की कर सकते सब में तो 2 दिन की करेंगे, अगर 1 दिन की कर सकते किसी एक में तो सब में 1 दिन की करेंगे, सेम ड्यूरेशन की साइमल्टेनियसली सब पे। फिफ्थ स्टेप में है कि अगर हमारी क्रैशिंग अब नहीं हो पा रही, स्कोप नहीं है किसी एक्टिविटी को क्रैश करने का पाथ पे, तो हम फिर क्रैशिंग का प्रोसेस को उसको रोक देंगे, क्लोज कर देंगे। और लास्ट स्टेप में हम उसकी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो अब बन रही है आफ्टर क्रैशिंग उसको फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ली है। इस एग्जाम्पल में 7 एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 3, 2 to 5, 3 to 5, 4 to 5। पहली एक्टिविटी 1 to 2, उसका नॉर्मल टाइम है 4, क्रैश टाइम है 3। इट मीन्स क्रैशिंग के बाद हमारा 1 दिन कम हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल कॉस्ट जो पहले 600 थी वो बढ़ के अब 800 हो जाएगी, मीन्स हमारी 200 की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो 1 दिन के पीछे हमारी 200 रुपये की 200 की कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो हमारी कॉस्ट स्लोप जो है वो 200 है पर यूनिट ऑफ टाइम पर डे। तो डे हमारे कितने बच गए इसमें, 1। ये आप फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। ऐसे ही 1 to 3 जो एक्टिविटी है उसका नॉर्मल टाइम है 2, क्रैश टाइम है 2, तो उसमें टाइम को कम हो नहीं सकता क्रैशिंग के बाद, तो क्रैशिंग वहाँ पर हो नहीं सकती। तो उसकी कॉस्ट जो पहले 400 थी नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट भी 400 ही है, कॉस्ट स्लोप उसकी 0 आएगी, टाइम कोई नहीं बचेगा क्योंकि हमारी क्रैशिंग वहाँ पर हो ही नहीं सकती। एक्टिविटी नंबर 3, 1 to 4, उसमें नॉर्मल टाइम है 5 डेज, क्रैश टाइम है 4 डेज, तो 1 दिन हमारा यहाँ भी क्रैश हो सकता है इस एक्टिविटी पे। तो नॉर्मल कॉस्ट पहले 750 थी, अब बढ़ के वो 900 हो गई है, तो हमारी 150 की कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई। तो 150 कॉस्ट जो इंक्रीज़ हुई है वो 1 दिन के पीछे हुई है, तो हमारी कॉस्ट लोग 150 है, डे सेव्ड हमारे 1 है। अब आ गई फोर्थ एक्टिविटी 1 2 to 3, इसमें नॉर्मल टाइम 7 डेज है, क्रैश टाइम है 5 डेज, तो 2 दिन का स्कोप इस एक्टिविटी पे क्रैश करने का है। हमारी कॉस्ट बढ़ के 400 से 600 हो जाएगी, तो 2 दिन के पीछे 200 रुपये हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और पर यूनिट ऑफ टाइम पर डे के हिसाब से 100 होगी, तो हमारी कॉस्ट स्लोप होगी 100, और डे सेव हमारे होंगे 100 के पीछे 1, टोटल हो सकते हैं 2, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 भी मेंशन किया है, 2 भी मेंशन किया है। ऐसे ही बच्चों हमने सारी एक्टिविटीज़ की कॉस्ट स्लोप और डे सेव निकाल लेने हैं। नॉर्मल कॉस्ट का टोटल यहाँ पर आएगा 4050, जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट आप इंकर कर रहे हो क्रैशिंग से पहले, वो है डायरेक्ट कॉस्ट 4050। और इस एग्जाम्पल में ये बताया है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 200 पर डे पड़ सकती है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बनाया है प्रोजेक्ट। तो इसमें एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 5, 3 to 5 और 4 to 5, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें मैंने हर एक्टिविटी में नॉर्मल टाइम डाल दिया, 1 to 2 में 4 है, 1 to 3 में 2 है, ऐसे ही मैंने सब में डाल दिया। तो हमारे पास अब इसमें पाथ, इस नेटवर्क में 4 पाथ बन रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन से। सबसे पहला मैंने नोट किया है 1 to 2, 2 to 5, 11 दिन का, वो 1 to 2 एक्टिविटी में टाइम है 4, 2 to 5 में है 7, तो 4 + 7 हो गया 11 डेज, जो पहला पाथ हमारा बनेगा। फिर सेकंड पाथ जो बन रहा है वो बन रहा है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, तो 1 to 2 एक्टिविटी में टाइम है 4, 2 to 3 में है 7, टोटल 11 हो गया।
और 3 to 5 में है 2, तो 11 + 2 13 days हो गया। तो सेकंड पाथ में ड्यूरेशन होगी 13 days। थर्ड पाथ हमारा बनेगा 1 to 4, 4 to 5, 5 + 5 10 days बन जाएंगे इसमें। तो लास्ट बनेगा फोर्थ पाथ, पाथ 1 to 3, 3 to 5, 2 + 2 4 days। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास चार पाथ बन गए अलग अलग ड्यूरेशन के, लेकिन सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन है सेकेंड पाथ की, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 की 13 days। तो हम यहाँ पर 13 days वाले पाथ को ही क्रिटिकल पाथ मानेंगे, लॉन्गेस्ट है इसलिए उसको क्रिटिकल पाथ मानेंगे। क्योंकि ये लॉन्गेस्ट पाथ है तो हम क्रैशिंग भी इसी पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमारा क्रिटिकल पाथ 13 days है, जो कि 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 है, तो उसमें तीन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, वो हैं 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 5। तो हम तीनों की कॉस्ट स्लोप देखेंगे कितनी कितनी है। 1 to 2 की कॉस्ट स्लोप है 200, 2 to 3 की है 100 और 3 to 5 की है 150। अब तीनों में 2 to 3 की कॉस्ट स्लोप जो है वो सबसे कम है, वो है 100। और 2 to 3 में मैंने बताया था कि 2 दिन हमारे क्रैश हो सकते हैं पर डे 100 के हिसाब से। तो अगर हम 200 इंकर करें एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो हमारे 2 दिन क्रैश हो सकते हैं वहाँ पर। तो अगर हम 2 to 3 पे 2 दिन क्रैश कर दें और 200 रुपये हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ हो जाए, तो हम एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर करके 2 दिन अपने बचा सकते हैं। तो हम उसके बाद हमारे पाथ इस तरह होंगे। पहला पाथ हमारा था 1 to 2, 2 to 5, 11 days का। दूसरा पाथ अब रिड्यूस होके 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 वाला 11 days का ही हो गया। और बाकी दो पाथ पहले ही हैं, पहले जैसे ही हैं, 10 दिन के और 4 दिन के। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स पहले दो जो पाथ हैं 11 days वाले, दो पैरेलल पाथ हो गए, 1 to 2, 2 to 5 वाला, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 वाला। तो हमारे पास पैरेलल पास हो गए। अब हम इन दोनों पे क्रैशिंग साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, किसी एक पे नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्रैशिंग के लिए हम इन दोनों पास, इनकी ड्यूरेशन 11 डेज हैं, इन दोनों पे हमें साइमल्टेनियसली एक ही ड्यूरेशन की क्रैशिंग ज्वाइंटली करनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे इन दोनों में एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आ रही है 1 to 2, ये दोनों में आ रही है। और दूसरी आ रही है 2 to 5, तीसरी आ रही है 2 to 3 और चौथी आ रही है 3 to 5। 1 to 2 अगर हम क्रैश करते हैं तो दोनों में क्रैश हो जाएगी, क्योंकि दोनों में कॉमन है। अगर हम 2 to 5 करते हैं पहले में, तो दूसरे में हमें 3 to 5 करनी पड़ेगी। 2 to 3 हम दूसरे में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हम 2 दिन क्रैश ऊपर कर चुके हैं। इसलिए ऑप्शन बनेगी, पहली ऑप्शन बनेगी 1 to 2, एक ऑप्शन बनेगी, एक दिन क्रैश हो सकता है, उसकी कॉस्ट स्लोप है 200। और सेकंड ऑप्शन बनेगी फर्स्ट वाले पाथ की 2 to 5 एक दिन से, और सेकंड वाले पाथ की 3 to 5 एक दिन से। दोनों को ज्वाइंटली हम एक दिन की स्लोप, एक दिन के हिसाब से क्रैश करेंगे, तो उसकी कॉस्ट स्लोप उनकी है 200 + 150, टोटल बनेगी 350। तो सेकेंड ऑप्शन में कॉस्ट 350 बन रही है, पहली वाली में बन रही है 200। तो दोनों में से कॉस्ट स्लोप कम बन रही है पहली ऑप्शन में। तो इसका मतलब ये है कि हम 1 to 2 एक्टिविटी क्रैश करेंगे एक दिन के साथ। तो उसके बाद हमारा जो पाथ पाथ की ड्यूरेशन होगी वो ऐसे हो जाएगी, 1 to 2, 2 to 5 10 दिन का, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 10 दिन का, 1 to 4, 4 to 5 ऑलरेडी 10 दिन का था हमारा, और 1 to 3, 3 to 5 हमारे पहले ही 4 दिन है उसके। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर तीन पैरेलल पाथ हो गए क्रिटिकल पाथ। पहले हमारे पास एक था, रिड्यूस हो गए, फिर 2 पैरेलल हो गए, अब और रिड्यूस हो गए, 3 क्रिटिकल पाथ पैरेलल हो गए हमारे। तो अब हम जब नेक्स्ट थर्ड क्रैशिंग करेंगे तो तीनों पे करेंगे, किसी एक पे नहीं कर सकते, ज्वाइंटली तीनों पे हम क्रैशिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्रैशिंग में हमारे पास अब तीन पाथ्स हैं,
तो तीनों की ड्यूरेशन 10 डेज हैं, तो हम देखेंगे इन तीनों में हम, क्योंकि हमें साइमल्टेनियसली क्रैशिंग करनी पड़ेगी तीनों पे ज्वाइंटली, तो हम देखेंगे इनमें कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले पाथ में 1 to 2, यहाँ पर क्रैशिंग नहीं हो सकती क्योंकि हमने ऑलरेडी कर ली है यहाँ पर इस एक्टिविटी में। फिर आ गई 2 to 5, इसमें क्रैशिंग हो सकती है। सेकेंड पाथ में फिर आ गई 1 to 2, क्रैशिंग नहीं हो सकती। फिर आ गई 2 to 3, यहाँ भी क्रैशिंग हो चुकी है। फिर रह गया 3 to 5, यहाँ पर क्रैशिंग हो सकती है। लेकिन थर्ड पाथ में दो एक्टिविटी ऐसी, दोनों एक्टिविटीज़ हैं जो 1 to 4 और 4 to 5, दोनों में क्रैशिंग नहीं हुई अभी तक, तो दोनों में स्कोप है। तो हम दो कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन बनेगी हमारी 2 to 5, 3 to 5, 1 to 4। 2 to 5 की कॉस्ट स्लोप है 200, 3 to 5 की है 150, 1 to 4 की है 150, तो टोटल टोटल बन गया 500। तो पहली ऑप्शन की कॉस्ट बन गई 500। दूसरी ऑप्शन बनाएंगे हम 2 to 5, 3 to 5, 4 to 5। 2 to 5 की कॉस्ट 200, 3 to 5 की 150, 4 to 5 की 250, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट स्लोप बन गई 600। तो दोनों ऑप्शन में सबसे कम है फर्स्ट ऑप्शन की 500 कॉस्ट स्लोप, तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम क्रैशिंग करेंगे एक्टिविटी 1 to 4 पे, 3 to 5 पे, 2 to 5 पे, एक एक दिन के साथ। तो स्टूडेंट्स, क्रैशिंग करने के बाद, थर्ड क्रैशिंग करने के बाद हमारा जो हमारे जो पाथ्स होंगे वो ऐसे होंगे, 1 to 2, 2 to 5 की ड्यूरेशन 9 डेज, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 की ड्यूरेशन 9 डेज, 1 to 4, 4 to 5 की ड्यूरेशन 9 डेज, 1 to 3, 3 to 5 हमने उसमें कुछ नहीं किया, वो 4 डेज रहेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीन पास हमारे पैरेलल फिर बन गए और तीनों की ड्यूरेशन है 9 डेज। तो स्टूडेंट्स, थर्ड क्रैशिंग के बाद हमारा जो पाथ है उसमें तीन पाथ जो हैं उनमें 9 डेज बन रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें आगे क्रैशिंग का स्कोप है या नहीं है। तो हर एक्टिविटी को देखेंगे किसमें क्रैशिंग अभी हो सकती है। पहले पाथ में 1 to 2 पे हो चुकी है, 2 to 5 में भी हो चुकी है। नेक्स्ट पाथ में 1 to 2 पे हो चुकी है, 2 to 3 पे भी हो चुकी है, 3 to 5 पे भी अभी हमने की है। और लास्ट पाथ जो है 1 to 4, 4 to 5 वाला, उसमें 1 to 4 पे क्रैशिंग हो चुकी है, सिर्फ 4 to 5 जो एक्टिविटी है वहाँ पर क्रैशिंग नहीं हुई, वहीं पर स्कोप है। पर हम उस एक एक्टिविटी पे क्रैशिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमें तीनों पाथ्स पे साइमल्टेनियसली क्रैशिंग करनी होती है, किसी एक पाथ पे एक एक्टिविटी पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्रैशिंग पॉसिबल नहीं है, तो नो क्रैशिंग। फिफ्थ स्टेप में मैंने ये बताया था कि अगर क्रैशिंग क्रैशिंग पॉसिबल नहीं है तो हम क्रैशिंग को क्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे लास्ट स्टेप, सिक्स स्टेप की तरफ। अब हम फाइंड आउट करेंगे उसकी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पर मैंने टेबल में सिक्स कॉलम बनाए हैं। सबसे पहला कॉलम है एक्टिविटीज क्रैश्ड का, फिर डेज सेव्ड, थर्ड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, फिर डायरेक्ट कॉस्ट, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले जब हमारी कोई भी एक्टिविटी क्रैश नहीं थी, निल थी, तो हमारे डेज कितने बचे थे? कोई नहीं। तब स्टार्टिंग में हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कितनी थी? 13 डेज। और हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कितनी पड़ रही थी? 4050, जो पहले मैंने आपको बताई थी। इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात बाद में करते हैं। उसके बाद फर्स्ट क्रैशिंग हुई 2 to 3 एक्टिविटी पे 2 दिन की, तो वहाँ पर हमारी 200 कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो हमारे 2 दिन डिक्रीज हो गए, तो हमारे डे सेव हो गए 2 डेज, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रह गई 11 डेज, और हमारी डायरेक्ट कॉस्ट हो गई 4050, पहले थी 200, उसमें और ऐड होके 4250 हो गई। फिर सेकंड क्रैशिंग हुई 1 to 2 एक्टिविटी पे 1 दिन की, तो हमारा 1 दिन सेव हो गया, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रिड्यूस होके 10 डेज रहेगी, और डायरेक्ट कॉस्ट 200 इंक्रीज हो गई, 4250 प्लस 200 ऐड करके 4450 आ गई। ये कॉस्ट मैंने आपको पहले पीछे स्लाइड में बताई हुई है। फिर थर्ड क्रैशिंग हमने
तीन एक्टिविटीज़ पे साइमल्टेनियसली की थी एक दिन की, 1 to 4, 3 to 5, 2 to 5 पे। उसकी कॉस्ट हमने 500 ली थी। तो यहाँ पर एक दिन की क्रैशिंग और हुई, डे सेव ने हमारा एक दिन आ गया, और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारी 10 से कम होके 9 दिन रह गई। तो हमारी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 4450 पे हुई थी पहले भी, उसमें 500 हमने ऐड कर दिया तो 4950 हमारी डायरेक्ट कॉस्ट बन गई। अब हम जाएंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट की तरफ। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि 200 हमारी पर डे के हिसाब से इनडायरेक्ट कॉस्ट पड़ रही है, तो हम सीधा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के डेज से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में 13 डेज थे, उसमें 200 अगर हम ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 2600 इनडायरेक्ट कॉस्ट पड़ती है। फिर फर्स्ट क्रैशिंग के बाद वो 11 डेज रह गए, तो 200 के हिसाब से 2200 हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगी। फिर सेकंड क्रैशिंग के बाद 10 डेज रह गए, तो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट 200 मल्टीप्लाई करके 2000 आ जाएगी। और लास्ट में, लास्ट क्रैशिंग के बाद, थर्ड क्रैशिंग के बाद 9 से 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को ऐड कर देंगे। पहले आ गई 6650, दूसरे उसके बाद आ गई 6450, फिर 6450, फिर लास्ट में आ गई 6750। इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने बाद में इसलिए डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हो सकता है कि क्वेश्चन में ना दी हो तो हमने डायरेक्ट कॉस्ट तक ही निकालना है, अगर दी हो तो हमने उसको डायरेक्ट कॉस्ट में बाद में ऐसे ही ऐड कर देना है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या आया फिर? हमारा आंसर आ गया कि हमारे पास अब प्रोजेक्ट जो की लेंथ है जो 13 डेज पहले थी, वो अब क्रैशिंग के बाद 9 डेज रह गई। और हम अब देखेंगे हमारी आंसर में ऑप्टिमम कॉस्ट क्या है और ऑप्टिमम डेज क्या है। तो अगर हम देखें तो हमारे ऑप्टिमम डेज तो 9 बन रहे हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट है 6750। लेकिन अगर हम कॉस्ट ऑप्टिमम देखें तो वो बन रही है 6450, उसमें डेज जो आ रहे हैं वो 10 और 11 आ रहे हैं। तो अगर हम डेज कम करना चाहते हैं तो हमारी कॉस्ट 6750 होगी, लेकिन अगर हम कॉस्ट इसमें भी कम देखना चाहते हैं तो हम 10 डेज और 11 डेज चूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इस प्रेजेंटेशन में आपको क्रैशिंग का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है या प्रॉब्लम है तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक यू।